इंसान सब कुछ जानता है। जैसे हर सेक्टर बना हुआ है, हम बच्चों को खुद घर पे पढ़ा सकते हैं, बट बच्चों को क्यों स्कूल भेजते हैं? नए ब्रेन को पैदा करना, अपना जो पुराना ब्रेन है उसको आप स्टॉप कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से सरल शब्दों में आपने बता दिया कि आप अपना गोल कैसे निर्धारित कर सकते हैं, आपने बताया आप कैसे अपने दिन की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, आपने बताया NLP किस तरीके से एक व्यक्ति की जिंदगी में बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकती है, आपने बताया कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, उसके लिए आप अपने माइंड को रिवायर कर सकते हैं। लाइफ एंड स्टोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक कहावत है कि अगर आपको लंबा चलना है तो शुरुआत एक कदम से ही होती है, और अगर आपने पहला कदम ले लिया तो यकीन मानिए मंजिल तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। और अगर कदम लिया और उसमें कोई मेंटोर आपके साथ हो जो आपको गाइड कर सके कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो फिर क्या बात। तो आज ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ है, नाम है प्रतिभा, लाइफ कोच है, टीचर है, बहुत सारी जिंदगियों को छूती हैं और बहुत सारी जिंदगियों को संवार चुकी हैं। आज बहुत अपना कीमती समय लेकर हमारे साथ उपस्थित हैं। प्रतिभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइफ एंड स्टोरीज पे। आपकी जो जर्नी रही वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी की जो जर्नी रही वो कैसे शुरू हुई, और उसका पहला जो चरण था, पहला बिंदु था, वहां से और यहाँ तक की जर्नी के बारे में बताएं कुछ। ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ कोच क्यों? तो मैं बताना चाहूंगी कि हर इंसान के अंदर एक शख्स होता है जिससे उसका परिचय, जिसको आप कह सकते हो कि आत्म साक्षात्कार, यानी अपना ही एक नेक्स्ट वर्जन, बहुत बढ़िया वाला इंसान जो होता है, उसको पाने के लिए हर आदमी ललायक है। बट जिसकी आवाज ज्यादा तेज होती है वो ज्यादा उस ओर जर्नी करता है, और जैसे जैसे ये जर्नी चलती है, आगे चलते चलते क्लियर होता चलता है कि हमें आगे जा करके अपना नेक्स्ट वर्जन करना है, तो समझ में आता है कि हमें क्यों करना चाहिए। अगर हमें जरूरत है अपने नेक्स्ट वर्जन की, अपने एक बड़े स्वरूप की आप कह सकते हो, तो उस बड़े स्वरूप को हम प्राप्त जिस यात्रा से करते हैं, तो हम लोगों को भी उसी तरह से जर्नी की ओर ले जा सकते हैं। और ये बहुत बड़ी आज की जरूरत है, हर इंसान की जरूरत है, क्योंकि आज इंसान के जीवन में सारी सुविधाएं हैं। अब कोई इंसान अपने को पाना चाह रहा है कहीं ना कहीं, तो खुद को पाने की ये जर्नी है। लाइफ कोच की जर्नी खुद को ही पाने की जर्नी है, और लोगों को लोगों से मिलाने की जर्नी है। मेरे अनुसार ये बहुत जरूरी प्रक्रिया है, इंसान को अपने जीवन में हर कदम पे आगे बढ़ते रहना चाहिए, रुकने से वो फ्रस्ट्रेट होता है। क्या बात ये इस अभी प्रतिभा जी, एक चीज जानना चाहेंगे, लोगों के मन में एक भ्रांति होती है कि मैं एक लाइफ कोच से मिल रहा हूँ या बात कर रहा हूँ तो उनको लगता है कि यार ये सारी चीजें तो हमें पता है पहले से, इन सारी चीजों के बारे में मैं पैसे क्यों दूं या फिर क्यों ऐसे किसी मेंटर को ढूंढूं। लेकिन उनके जीवन में होने के बावजूद भी ये सारी चीजें होकर भी नहीं होती हैं। ऐसे में अगर आपको किसी को समझाना होता है कि भाई आपके पास है तो, लेकिन फिर भी आप प्रोकास्टिनेट क्यों करते हैं, फिर भी आप क्यों अपने आप को नहीं बना पा रहे हैं, क्यों आप लेजीनेस को फील करते हैं, क्यों अपने दिन को प्रोडक्टिव नहीं बना पा रहे हैं, ये सारी चीजें आप कैसे जो है सामने वाले व्यक्ति को समझाती हैं या बताती हैं, और उनके लिए ये क्यों जरूरी है? इसमें मुझे यही कहना है कि जैसे आपने कहा कि हर इंसान सब कुछ जानता है, लेकिन हर जैसे हर सेक्टर बना हुआ है, हम बच्चों को खुद घर पे पढ़ा सकते हैं, बट बच्चों को क्यों स्कूल भेजते हैं? बड़े से बड़े अधिकारी भी अपने बच्चों को, तो हर यात्रा जो है, जैसे स्टूडेंट के लिए स्कूल जरूरी है, ऐसे लाइफ कोच की बात है, तो हमारा कहीं ना कहीं कंप्लीट एक ऐसा आयाम की जरूरत होती है व्यक्ति को, जिससे एक ऐसा मार्गदर्शक, एक ऐसे गुरु की जरूरत को है कि वो उसका हर सेक्टर मजबूत होना चाहिए। Exactly. किसी को रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये तो बड़ा हमारे यहाँ क्या है ना, इस चीजों को लोग डिस्कस भी नहीं करते हैं, उसको वो किसी ना किसी तरह से इस दर्द को छुपा के रखते हैं, जबकि ये सही नहीं होता है। अगर हमारे पास एक लाइफ कोच है तो हम एक अच्छे बेहतर रिश्तों को बना सकते हैं, और जाने अनजाने
सबके साथ ये चीजें घटित हो रहे हैं। किसी को उसकी अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम चल रही है, उसको कोई बताने वाला नहीं है कि समय रहते अगर वो 1 से 2 या 3 अपनी इनकम का सोर्स ऑफ इनकम करता है, या अपने पैसन को कैसे वो फॉलो करता रहे कि कॉन्फिडेंटली वो स्विच कर सके। भाई मेंटोर की जरूरत इसलिए है कि कई ऐसे, मैं बताऊं अपने इंडिया में तो ऐसे वर्कर इस तरह से लोग काम कर रहे हैं, वो अपने काम से ही बोझिल है, उनका काम ही उनके लिए एक बीमारी या सरदर्द की तरह काम कर रहा है। तो वो स्विच अगर करना चाहे तो कैसे करें, इतना आसान तो नहीं है अचानक से स्विच करना। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि लाइफ कोच की जरूरत क्यों, हमारा इंडिया इतना बड़ा देश है, हमारे इंडिया में सबसे बड़ी चीज है कि एजुकेशन से हम आज सोचते हैं कि हमारा एजुकेशन हमको क्या पर्याप्त है। अगर पर्याप्त है तो लोग परेशान क्यों रहते हैं, गलत प्रोफेशन में जा रहे हैं लोग, उचित उनको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, एजुकेशन के बाद भी उनको गाइडलाइन की जरूरत पड़ रही है, स्कूल के बाद भी बच्चों को कोचिंग की जरूरत पड़ रही है, फैमिली मेंबर्स के होने के बावजूद वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, सुसाइडल हो रहे हैं, अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, खुश नहीं है। तो अभी आप समझ सकते हैं कि हमारा देश खुशी के इंडेक्स में कहाँ पर है, अपनी नीड्स, बेसिक नीड नहीं पूरी कर पा रहे हैं। इससे बड़ा चैलेंज कुछ नहीं है, व्यवस्था हमारे जो एजुकेशन व्यवस्था उस पर भी तो प्रश्न चिन्ह है। यानी एक ऐसे गुरु की जरूरत है जो व्यक्ति के अंदर उसका रियल कौशल बाहर करे, जो उसके अंदर है। अभी जो एजुकेशन चल रही, बाहर से अंदर घुसाने का प्रयास हो रहा है, तो बाहर से कुछ डालोगे तो फिर कॉपी पेस्ट हो रहा है, अंदर से कुछ निकलना चाहिए। तो लाइफ कोच वो कोच है जो आपके अंदर जो बीज है, जो बीज लेके हम पैदा होते हैं उनको बाहर निकलता है, और वो जब बाहर आता है तो वो बट वृक्ष ही बनता है, उसको बट वृक्ष बनना ही है। उस प्रोसेस में वो खुद खुश भी होता है, पैसे भी बिल्ड करता है, समाज सोसाइटी भी बनते हैं, हेल्दी भी रहता है। क्या तो बात, ओवरऑल कि बीज को बट वृक्ष बनने के लिए लाइफ कोच की जरूरत है। एक स्कूल कॉलेज पर्याप्त नहीं हो पा रहे, वो बिल्कुल कहीं ना ठीक कहीं बात, उनको प्रोफेशनली सफल बना रहे हैं, बट लाइफ जीना नहीं सिखा पा रहे, खुश रहना नहीं सिखा पा रहे, रिश्ते में बेहतर कैसे रहे ये नहीं कर पा रहे। तो इसके बिल्कुल लिए सही बात, हमें लाइफ कोच की जरूरत है, और बहुत ज्यादा जरूरत है, ढेर सारे लोग परेशान हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने प्रतिभा जी। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बेसिक लाइन ये है कि पूरी दुनिया में हम लोगों को सिखाया जाता है कि किनसे कैसे बात की जाए, पापा से कैसे बात कीजिए, मम्मी से कैसे बात कीजिए, पड़ोसियों से कैसे बात कीजिए, रिश्तेदारों से कैसे बात कीजिए, लेकिन कहीं भी ये नहीं सिखाया जाता है, कोई नहीं बताता कि खुद से कैसे बात करनी है, अपने सेल्फ टॉक कैसे करना है। ऑब्वियसली इसके लिए आपके पास अगर कोच है तो बहुत बढ़िया, आपको जो है गाइडेंस मिल सकती है। एक सवाल जो मेरे मन में अभी अभी उभरा वो ये कि कोई भी व्यक्ति जो दिन भर के इन तमाम चीजों के बीच में है, अगर उसको अपना दिन अच्छा करना है, अगर उसको अपनी सुबह अच्छी करनी है, तो कुछ एज अ लाइफ कोच आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जिससे उनकी सुबह अच्छी हो जाए और उनका पूरा दिन प्रोडक्टिव रहे। इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि सुबह सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को सुबह की शुरुआत जो है 5:00 में नहीं करनी चाहिए। उठने के बाद 1 घंटे तक उसको शांत जगह पर बैठना है, और उसको सबसे पहले उपलब्ध चीजों को थैंक यू, आभार व्यक्त करना। मैंने भी शुरू किया बहुत दिनों तक, तो सबसे पहले आभार हर चीज जिसके लिए हम, जिन चीजों से हम चल रहे होते हैं, हम ऐसे नहीं चल रहे हैं, हम हर चीज के आभारी हैं, हम आपके आभारी हैं, आप हमें इस प्लेटफॉर्म पर लाइफ। इसके लिए तो हम सुबह सुबह सबसे पहले हमें ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, आफ्टर दैट कुछ प्रेयर करनी चाहिए, अफर्मेशन करनी चाहिए, हमें पॉजिटिव डे की शुरुआत, और तीसरी चीज की हमें कुछ हेल्थ का वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि दिन भर आजकल की जो लाइफ है, वर्क लाइफ है, उसमें सिर्फ बैठे रहना है, फिजिकल कोई नहीं है। ये दो चीजें अगर लोग पकड़ के चलें तो दिन भर की एक अच्छी एनर्जी के साथ वो शाम एंड करेंगे अपनी। तो क्या बात, ऐसा मैं कर भी रही हूँ, और जो कर रहे हैं उनका ये फीलिंग भी। तो क्या बात है, क्या बात है, ओवरऑल यही बहुत कि आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब छोटे से मतलब 1 मिनट के अंदर आपने बता दिया कि आप अगर जो भी दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, जो जो भी ये वार्तालाप सुन रहे हैं, अगर आप अपना दिन प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, शुरुआत अच्छी करना चाहते हैं, तो ये बहुत छोटी छोटी टिप्स है जो प्रतिभा जी ने दी है, आप उसको फॉलो कीजिए, आपका दिन यकीन मानिए बेहतर से बेहतरीन होता चला जाएगा। प्रतिभा जी एक चीज और जानकारी आपसे चाहेंगे, जब भी आदमी सोचता है कि हम कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपसे बात की जा सकती हैं, अगर
कोई बहुत ज्यादा टालमटोल कर रहा है, या फिर किसी को अपना लक्ष्य नहीं मिल रहा है, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास सब कुछ है फिर भी उसका मन उदास रहता है, तो ऐसे में क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप तक व्यक्ति संपर्क कर पाए? जी बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया। और यहाँ इस के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि निश्चित ही ऐसी टेक्निक्स हैं कि आप उनका उपयोग करके अपना प्रोक्रेस्टिनेशन दूर कर सकते हैं। आप अपनी मेमोरी में जो बुरे मेमोरीज हैं जो आपको बार बार ट्रिगर करती हैं, उनको भी आप डिलीट कर सकते हैं, जिससे कि आप अच्छा जीवन जी सके, पर्पज ऑफ लाइफ सेट कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट पर्पज लाइफ का कोई मतलब नहीं होता। लाइफ में तभी दिशाहीनता निरसता लाती। तो पर्पज ऑफ लाइफ कैसे सेट करें, अलाइनमेंट अगर हो हमारी वैल्यूज को कैसे सेट करें, अपने बिलीफ लेवल पे हमें कैसे काम करना चाहिए, तो इन सब चीजों को काम करने के लिए मुझे तो लगता है आज हर व्यक्ति की जरूरत है एक आयाम की, जिसको आप कह सकते हो साइकोलॉजी तो काम कर ही रही है, एनएलपी का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई व्यक्ति एनएलपी सीखता है उसकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, वो खुद पे काम कर पाएगा, उसका जो परसेप्शन होता है उसको वो समझ पाएगा कि आखिर वो जो चीजें हैं उनको जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो उनकी प्रोग्रामिंग होती है उसको वो खुद चेंज कर सकते हैं, यानी वो जैसा परिणाम चाहते हैं वैसी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और थ्रू एनएलपी ये सब कुछ संभव है, नए ब्रेन को पैदा करना, अपना जो पुराना ब्रेन है उसको आप स्टॉप कर सकते हैं, एक नए ब्रेन के साथ नई शुरुआत पर्पज ऑफ लाइफ के साथ बहुत बड़ा करने और जरूरत है हमारे देश में। मैं तो देख रही हूँ लोगों का थॉट प्रोसेस सिर्फ इतना, सिर्फ हमें जॉब चाहिए जॉब चाहिए। एक एक बच्चे बच्चे से पूछिए, जॉब नौकरी करना है, जॉब करना है, नौकरी करना है, जॉब करना है। किसी के पर्पज नहीं है कि मुझे अपने हायर सेल्फ को प्राप्त करना है, कहीं चर्चा ही नहीं है इसकी। हायर सेल्फ मीन्स कुछ और नहीं, हमारे अंदर ईश्वर ने दे के भेजा है कि हम इसको कैसे और ज्यादा, यही जथा पिंडे ब्रह्मांडे, हम उस चीज को एक्सेस कर सके, वही ईश्वर तत्व हमारे अंदर भी है। क्योंकि अगर हम ईश्वर की बात करते हैं तो लोग समझते नहीं है, एक अवधारणा है, लेकिन अगर पानी, जो पानी कुएं में होता है वही पानी ग्लास में भी होता है, कोई डाउट है इसमें? नहीं है। लेकिन हम इंसानों को क्यों डाउट है? हम कहीं ना कहीं उस हायर सेल्फ, उस ईश्वर की संतान है, लेकिन हम में वो क्वालिटीज क्यों नहीं? तो ये जो गैप है इसको, गैप को फिल करना है, तो कहीं ना कहीं आपको एनएलपी बहुत अच्छे से मदद करती है, आपका पर्पज ऑफ लाइफ सेट हो सकता है, क्या यही बात है, कहना है मुझे। क्या बात है। अगर दोस्तों आपको प्रतिभा जी से अपॉइंटमेंट लेना है, उनसे बात करना चाहते हैं, वन टू वन करना चाहते हैं, वन टू वन बातचीत आप करना चाहते हैं, तो दिए आप एक हेल्पलाइन नंबर है आपके साथ में, उस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज करके आप उनसे जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हम आपकी बात वहां तक पहुंचाएंगे। इनफैक्ट आपका कोई सवाल है तो आप इसमें कमेंट करके सवाल भी डाल सकते हैं, और उस सवाल का जवाब सीधे हम लाइफ कोच प्रतिभा जी से लेकर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। प्रतिभा जी आगे चलते हैं, दो चीजें और मेरे दिमाग में हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था। पहली चीज तो ये है कि जब भी कोई भी व्यक्ति कोई बड़ा निर्णय लेना चाहता है, जैसे किसी ने अपना गोल सेट किया कि भाई मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो गोल सेट करने के दौरान तो वो बहुत एनर्जेटिक रहता है, हो सकता है कि कहीं से आया हो और उसको लगता हो नहीं बस करना ही करना है, करना ही करना है, लेकिन ठीक हफ्ते दो हफ्ते महीने गुजरते हैं और वो महीने गुजरने के साथ वो गोल भी गुजर जाता है। आदमी अगर कोई गोल ले रहा है तो वो किस तरीके से अपने गोल के लिए अपने अंदर वो हिम्मत जिजीविषा पैदा करके वहां तक पहुंचे, क्या कोई सरल तरीका है अपने गोल को हासिल करने का? जी, आपका सवाल ये हमारे सारे दर्शकों का हो सकता है, उसमें से लगभग हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है, वो जो भी जीवन में अगर कोई बड़ा लक्ष्य लेके चलता है तो उसको जरूर वो कंप्लीट करे। तो आपके माध्यम से उनको, उनके लिए भी यही संदेश है कि एक्चुअल में होना ही लीजिए। हमको अगर हम अपनी लाइफ को लंबा प्लान करते हैं तो वो हम ज्यादा उसकी पॉसिबिलिटीज होती है, हम अचीव करते हैं। हम थोड़ा थोड़ा जो प्लान करते हैं ना उसमें चेंज भी करना पड़ता है, लेकिन अगर लंबा प्लान करके उसको टुकड़े टुकड़े में करके हासिल करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे गोल होते हैं उसमें 3-4 चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप गोल सेट करते हो ना तो आप ध्यान से देखना कि कहीं ना कहीं वो बाहर से तो नहीं वो प्रायोजित है। भाई किसी ने 4 करोड़ का घर खरीदा है, अब मुझे खरीदना है, ये गोल नहीं हो सकता।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने गोल को जब डिसाइड कर रहे होते हैं तो हम गोल को, जैसा कि आपने कहा कि मुझे पैसों का गोल बनाना, जैसे 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी ले सकते हैं, तो सबसे पहले तो गलती ये हो रही है कि हम ये गोल, जो पैसों का गोल है ना, ये ब्रेन को, ये ब्रेन में नहीं इंस्टॉल हो पाता है ये लक्ष्य हमारा, ये कहीं ना कहीं सेंटेंस में रह जाता है, शब्दों में रह जाता है। तो ये जो करोड़, इसको किस चीज में कन्वर्ट होना है, यानी ये जो पैसे हैं इनके थ्रू कौन सी सुख सुविधाएं, घूमना है विदेश यात्रा में इसको लेके जाना है, या घर के बनाने में लेके जाना है, या बच्चों के एजुकेशन पे इसको डालना है, या माता पिता के किसी ऐसी ख्वाहिश को पूरी करनी है, कोई हमारा जो जो उससे बनने वाली पिक्चर है, बड़ी पिक्चर है, आफ्टर दैट जो आपकी फीलिंग आने वाली है, इसको विजुलाइज करना पड़ेगा। अगर हमारे ब्रेन को ये विजुलाइज नहीं होता है तभी ये गोल नहीं पूरा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस गोल से जो मिलने वाली चीजें हैं उसको हमें विजुलाइज पिक्चर के रूप में, मूवी के रूप में ब्रेन में आना चाहिए। दूसरी चीज कि जब डेट डालते हैं हम, डेट डालना चाहिए। तो तीसरी चीज कि देखिए इसमें कई पहलू कि हम जो ये अमाउंट फिक्स कर रहे हैं ये हमें कहाँ से लेना, तब ये अमाउंट मुझे किस सेक्टर से, अगर हम इस सेक्टर में है यहाँ से लेना है, या मेरा अदर सेक्टर है, हम इस चीज को किस सेक्टर से हासिल करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी चीज। ऐसा नहीं हो सकता है कि मुझे यहाँ से इतने दिन तक यहाँ से लेना है, ऐसे करना है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये किस सेक्टर से, किस प्लेटफॉर्म से आनी है। तो दिल्ली जाना है तो मुझे ट्रेन से जाना है, एरोप्लेन से जाना है, या वाया कार जाना है, ये बहुत ही फिक्स एग्जैक्टली करना चाहिए। एग्जैक्टली तीसरी चीज कि ये भी हो सकता है कि हम बीच बीच में टुकड़े टुकड़े करके जा सकते हैं, हर सिटी में रुकते हुए भी जा सकते हैं। तो किस तरह से करना है, ये जर्नी को कैसे आपके लिए इंजॉयफुल होगी, ये आपका पर्सनल मैटर है, इट टेक्स अ टाइम। तीसरी चीज, पैसों को लेकर जब बचपन से हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है, हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं जो बहुत मुश्किल तरीकों से पैसा अर्न करते हैं, ऐसा बताया जाता है कि पैसा पेड़ पे लगता है क्या, तो इट मीन्स टफ, ये हमारे ब्रेन में है, इसको हमें स्विच करना होगा। पैसा बहुत ही आसान है बनाना, ये चीज जब मस्तिष्क को ये विजुलाइज कर पाएगा, ऐसे आसान है कि जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम अगर यूनिवर्स ब्रह्मांड से कनेक्शन कर पाए, उससे इसने हमें यहाँ भेजा है, हमें अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज करनी है। ये आइंस्टीन की थियरी यही है कि हर चीज एक एनर्जी है, पैसा भी एक एनर्जी है। तो अपना जो टाइम का एनर्जी है हमारे पास, जो हमारी स्किल है, इस एनर्जी को हमें कहाँ कन्वर्ट करना है, पैसे में। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज करनी है। कैसे चेंज करनी है, मुझे उस फ्रिक्वेंसी में आना है कि जो चीज हमें चाहिए उससे हमारी फ्रिक्वेंसी मैच करे। भाई जाहिर से बात है हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन हमारी और आपकी कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी मैच हुई तो आज बेहतर समझ सकते हैं। हम दोस्त बनाते हैं, फ्रिक्वेंसी ही मैच होती है, क्योंकि दोस्तों के क्यों याद आते हैं, क्योंकि वहां पे फ्रिक्वेंसी ही मैच, जरूरी नहीं पूरा जीवन आपका मैच करे, बट कुछ पल के लिए हमारी फ्रिक्वेंसी मैच होती है। उसी तरह से जो हम चाहते हैं लाइफ से, जो हम सर्विस, किसी को कहाँ से आएगा पैसा, ऐसे तो आएगा नहीं, किसी ना किसी सर्विस के माध्यम से आएगा। तो जो भी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, अगर हम कोचेस की बात करें तो हम अगर लोगों को वो चीज दे पाएंगे जो वो चाहते हैं, अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि उनको क्या चाहिए। अगर हमें क्लियर हो गया हमें क्या चाहिए और हमें देना आ रहा है, तो निश्चित अगर वो सही जगह पहुंचेगी तो फ्रिक्वेंसी ही मैच हो रही, तो घर से भी इधर, ये वन वे ट्रैक नहीं है, जरूर से जरूर और ज्यादा काम होता है। फ्रिक्वेंसी कैसे चेंज होगी, फ्रिक्वेंसी चेंज करने की हमें अपने विचारों पे काम करना पड़ेगा, हमें अपने विचारों पर ध्यान रखना पड़ेगा, पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, इंटेंशन सही करना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों, अगर हम खुश कर पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर उनके मन मुताबिक गोल को सेट करने में मदद करते हैं, अगर वो चल पा रहे हैं तो वो ज्यादा संभावना होती कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। थोड़ा सा मैं उदाहरण से समझाऊंगी कि जी जैसे कभी हमने भी गोल लिया था छोटा सा कि मुझे 1 लाख का बिजनेस देना है। अगर हमें 1 लाख का बिजनेस देना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसको डिवाइड किया 30 डेज से, फिर घंटों में, फिर मेरे सामने आया गोल कि हर घंटे मुझे कितना काम करना है।
अब जब हर घंटे कितना काम करना है, और जब शुरू में किया मैंने, फर्स्ट डे किया 8 घंटे किया, उससे ज्यादा किया, फिर लक्ष्य निकल गया कि मुझे लगभग 30 लोगों से मिलना होगा, फिर मेरा ये गोल कंप्लीट होगा। तो फिर उस दिन तो एकदम से एक्साइटमेंट, ना यार ये रोज हो सकता है, पॉसिबल है अगर हम करना चाहते हैं, तो किया। नेक्स्ट डे और हो गया और हो गया, और ज्यादा क्षमता बढ़ती गई। एक्चुअल में हम अपनी जो ब्रेन है ना, इसकी कैपेसिटी को नाप ही नहीं सकते हैं, बस हम खुद ही ना अपने लिए छोटी छोटी लिमिट बनाते रहते हैं। तो जब ये पता चल गया कि मुझे हर एक दिन मैंने किया उसको, ये तो रोज पॉसिबल है ना, अगर हम एक दिन कोई चीज कर सकते हैं, एक हफ्ते अगर कंटिन्यू कर सकते हैं, एक महीने कंटिन्यू कर सकते हैं, तो हम 12 महीने कंटिन्यू कर सकते हैं। और ऐसा मैंने किया है, 12 महीने तक कंटिन्यू उस गोल पे डटे रहे हैं किसी माइंड के, क्योंकि क्या बात हम है। बिल्कुल नए थे, क्या था। और मुझे दुबई यात्रा गिफ्ट मिली थी उस बिजनेस के थ्रू, ये मेरा क्या ड्रीम बात। था, और मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया, वो घूम के आए। अच्छा लगा कि अगर हम दिन में 30-40 लोगों से उनके बारे में, उनकी बीमारी के बारे में, उनके पैशन के बारे में बात करते हैं, तो हमें ये गिफ्ट मिल जाए, बस और कुछ नहीं दिख रहा, और ये कंप्लीट। इसी तरह से मैं पूरी तरह से मदद कर सकती हूँ, अगर अगर हमारा, जैसे हम घर बनाते हैं तो नक्शा बनाते हैं, नक्शा गलत बन जाए तो घर सही बनेगा, बीच में तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी। बिल्कुल 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 इसलिए सही हमें बात। अपनी लाइफ को डिजाइन करते समय सबसे पहले जरूरत है, सब बैठ करके, 1 दिन 2 दिन हफ्ते 1 महीने भी लग सकते हैं, बट इस तरह से डिजाइन कर लिया जाए कि हम 60 वर्ष के होंगे तो हम कहाँ पर होंगे, हमारी क्या जरूरतें होंगी, वो सिर्फ पैसों को लक्ष्य ना बना जाए, हेल्थ को भी उसमें शामिल रखा जाए कि हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, हमारे रिश्ते भी कैसे रहेंगे। पता लगा कि हम उसके चक्कर में हमारे कुछ रिश्ते तो इधर से माइनस हो जाएंगे, फिर उनको कहाँ एंजॉय करेंगे। तो क्वांटम वेलनेस, जैसा कि आपने कहा कि मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये कंप्लीट की बात करता है, एक इंसान क्वांटम लाइफ जीना चाहिए, यानी वो जिसके लिए है उसको पूरा पूरा वो रिजल्ट मिलना चाहिए, उसी को उसको प्राप्त करना चाहिए, और गोल को बनाने में पिक्टोरियल गोल होना चाहिए, विजुअलाइज हो सके। और तीसरी चीज मैंने देखी थी, ये गोल जो आपका है ना, इसमें आपका मेंटर कौन है, ये बहुत जरूरी है, इस गोल को मेंटर के साथ डिस्कस करना है, और जिससे क्यों आप इसको कर रहे हो, कैसे करना है, किस प्लेटफॉर्म से करना है, आपका टीम मेंबर्स कौन कौन है, ये बैठ कर इसको बहुत डिजाइन करने के बाद ही इस पे अमल करने की जरूरत है। इवन गोल इतना, उसको इतना कट करना है, इतना कट करना है कि हर घंटे का गोल आपके सामने जब आ जाएगा, और आप जब करोगे कि 1 घंटा आपने कर लिया, तो फिर अगला घंटा भी ऐसे होगा। इस तरह से हमने भी सीखा क्या, और ये पॉसिबल है। क्या बात है, क्या बात है प्रतिभा जी। बहुत ही आसान तरीके से सरल शब्दों में आपने बता दिया कि आप अपना गोल कैसे निर्धारित कर सकते हैं। आपने बताया आप कैसे अपने दिन की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। आपने बताया एनएलपी किस तरीके से एक व्यक्ति की जिंदगी में बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकती है। आपने बताया कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, उसके लिए आप अपने माइंड को रिवायर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग जो इतने सारी बातें कर सके, आपका इतना कीमती समय मिला। और दोस्तों जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कृपया इन बातों को फॉलो कीजिए, क्योंकि इसको फॉलो करेंगे करेंगे तो जरूर होगा, और अगर होगा तो जिंदगी बदलेगी। थैंक यू सो मच प्रतिभा जी, आपका अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।